आजम खान की कोई जगह नहीं बनती है, आपको लगता है कि अब आजम खान की जगह नहीं बनती है? देखिए, जो आजम खान का कॉन्फिडेंस है इस टाइम पे, उनको रेस्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि वो काफी मैचेस से क्लिक नहीं कर रहे। जैसे नसीम भाई ने पहले भी बोला था कि इनको यूएसए में मत खिलाएं, बस अब इस चीज की कसर बाकी रह गई थी। अमेरिका से बदतरीन शर्मनाक 7 शिकस्त के बाद आप कह दीजिए कि पाकिस्तान टीम के अंदर लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात कह लीजिए, तल्ख कलामी कह लीजिए, खिलाड़ियों की बेइज्जती कह लीजिए, मतलब इस किस्म के रवैये की खबरें आना बाकी रह गई थी। जब आपको प्लेयर का पता है कि वो किस कंडीशन में खेलता है, तो मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि आपको प्लेयर को डेवलप करना है तो आपको थोड़ा सा उसको उसके मुताबिक कंडीशन देनी होगी, स्पेशली जब उनके फर्स्ट इवेंट्स हो। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती की है कि जैसे हमने साइम अयूब को स्ट्राइक किया अर्ली ऑन, और जिस तरह आजम खान को हमने फिर यूएसए में खिला दिया, थोड़ी सी उनको उनकी फेवरेबल कंडीशन में खिलाएं। समझ नहीं आ रहा फिर हमने किया क्या, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ये आजम खान की। एमन ने कहा कि अभी वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ गलत है। कॉन्फिडेंस बहुत है लड़के में, आउट होके जा रहा था ग्राउंड में से हूटिंग एक आम बात है, किसी ने हूटिंग कर दी लड़ने खड़ा हो गया भाई, और वो वीडियो भी बड़ी चल रही है। तो नसीम भाई ये तो एटीट्यूड है हमारे लड़कों का कि बुरा करें अच्छा करें तुम कुछ नहीं बोल सकते। भाई शायकीन का हक है, वो बैठे हुए वो बहुत टिकट लेकर आए, उनको भी गुस्सा आता है तो फिर अपना गुस्सा उतार दें। तो ये तो कॉन्फिडेंस आजम खान का, इधर तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो रहा उसका, मुझे थोड़ी सी वो ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। फ्यूचर क्या होगा कौमी क्रिकेट टीम का? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये एक बड़ा तश्वीशनाक बड़ा खतरनाक सा वक्त है, तकलीफ देख लोगों के लिए जो कि सारा साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान टीम जहाँ भी जाती है उनको देखने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन कल के मैच में जहाँ जहाँ खराबियाँ हुई हैं, बाउंसर का जिक्र हुआ है, बैटिंग का भी जिक्र अपनी जगह पर रहता है, जो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स है एक बहुत बड़ा मसला वो भी नजर आता है। क्या हमने कल के मैच में जो हमने नाकाम हुए हैं इसमें, क्या हमने अपने रिसोर्सेज को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया, और अगर नहीं किया तो वो कौन से रिसोर्सेज थे वसाइल थे जिनको हम कर सकते थे और पाकिस्तान मैच इस तरफ नहीं जाता जो कि जिस तरफ क्या है। मतलब लोग 1999 के मैच का जिक्र कर रहे हैं, बांग्लादेश का 2007 के मैच का जिक्र कर रहे हैं। तो शर्म अगर नहीं आएगी तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को नहीं आएगी। बेशक पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार जाए, बेशक पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार जाए, बेशक पाकिस्तान यूएसए से हार जाए, उस यूएसए की टीम से जो वर्ल्ड कप में सिर्फ इस वजह से है कि वर्ल्ड कप उनके यहां हो रहा है, बाकी उनकी वर्ल्ड कप में होने की कोई वजह ही नहीं थी। दोस्तों अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को यूएसए के हाथों कड़ी पराजय का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में लगातार मंथन जारी है। मीडिया बाबर के कैप्टेंसी को लेकर लगातार सवाल खड़ी कर रही है और उनकी बैटिंग को लेकर भी। पाकिस्तान के बैट्समैन कौन किस क्रम पर उतरे और किसको बॉलिंग की कमान सौंपी जाए, इसको लेकर लगातार मंथन जारी है कि इंडिया के साथ क्या प्लान बनाया जाए कि इंडिया को शानदार शिकस्त मिले और पाकिस्तान अपने गहरे जख्म को धुला सके। इसी को लेकर पाकिस्तानी कोच गैरी कस्टन से भी कहा सुनी हो गई। इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया में जबरदस्त घमासान जारी है कि कैसे प्लेयर हमारे हैं जो कि यूएसए जैसे टीम के आगे कुछ न कर सके। पाकिस्तान की चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग, पूरी लाइन लेंथ बिगाड़ के रख दी। दोस्तों आइए आगे वीडियो में देखते हैं पाक मीडिया इस पर क्या कुछ कहती दिख रही है। मिलते हैं वीडियो के यूएसए से पिल गए हो भाई, यूएसए से पिल गए हो, इससे ज्यादा जलालत क्या होगी? इससे ज्यादा मैं कहता हूँ आपके साथ जो है वो योमोलोपो क्या होगा कि आप यूएसए से पिल गए हो। उसके बाद भी हमारा कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के अपने बॉलर्स को डिफेंड कर रहा है और साथ ये कह रहा है कि जी हम इंडिया को बीट करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर बॉब्जी दी ग्रेट किंग साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ग्रेट कमबैक करेगी और हम इंडिया को बीट करेंगे, ये हमारी जिद बन चुकी है। ये बॉब्जी दी ग्रेट द ग्रेटेस्ट एवर किंग साहब ने बोला है, मेरे एल का जो किंग है। इसके ऊपर बात करते हैं और आजम खान गेंडा पेडा रिछ कद्दू बालू पेडा पेठा, उसने किया तो कुछ नहीं है। लेकिन आजम खान कल जब आउट होके गया तो फैंस ने आजम खान को पीछे से गेंडे की आवाजें दी हैं। आजम खान ने फैंस को क्राउड को अब्यूज किया और उनको अब्यूज करके उनकी कंप्लेन की और उनको पकड़ के वो जेल में ले गए हैं। मतलब गेंडे आ तू करता है कुछ नहीं और फैंस तुझे गेंडा ना बोले तो तुझे शाहरुख खान बोले, तुझे विराट कोहली बोले, तुझे क्या बोले, तू गेंडा तो तुझे गेंडा ही बोलेंगे ना। तू क्या कर रहा है, तूने उनकी शिकायत लगा के उनको जेल में करवा दिया। जेल में तो तुझे डालना चाहिए, पिंजरे में तो तुझे डालना चाहिए। पेड़ा रेछ की तरह भालू गिद्दड़ बना हुआ तू, कई बंदे ना खा जाना, क्योंकि बाले शाले रंज रुंज वाला तेरा काम नहीं है, पहली बाल पे वोट हो जाता है। इसके ऊपर बात करेंगे लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉब्जी दी ग्रेट किंग की स्टेटमेंट के ऊपर। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पाकिस्तान के दो टक्के के छनकने के कप्तान बॉब्जी दी एल किंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें बाबर आजम ने बोला था कि जी हमारी यही कहता था ना, थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, यही कहता था कि जी मेरी नंबर वन बॉलिंग लाइन अप है, हम तो जी किंग हैं, हम तो जी मेरे पास दुनिया के टॉप बॉलर्स हैं, हम मैं और रिजवान सबसे बेहतरीन ओपनर्स हैं और ये है रिजवान T20 का ब्रेडमैन है, मेरे एल पे चढ़ जाओ।
एल पे चढ़ गए ना मेरे, ओ मेरे एल पे हमें रुलाया ना, मुझे रुलाया था ना कल रात को, मुझे बेटा तूने रुलाया हुआ कल रात को, मैं लाइव में रोया हूँ, मैं कल लाइव में रोया हूँ मैं। और मर्द जब रोता है ना बेटा वो उसका एंड हो जाता है, मैं कल लाइव में रोया हूँ तेरी वजह से, तूने जो जलील करवाया ना मेरे मेरे मुल्क को मेरी कंट्री को तेरी वजह से मैं कल लाइव में रोया हूँ। और बेटा तू जो कर रहा है ना अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तू बैठ के ऊपर कॉन्फ्रेंस बातें वही कर रहा है, मतलब बाज नहीं ना आ रहे अपनी या कंपनियों से कि जी इंडिया को फिर हरा देंगे। जो टीम यूएसए से हार गई है, जिस टीम को यूएसए ने जलील कर दिया है, वो टीम इंडिया को मेरा एल हराएगी। इंडिया को बेटा वो उनमें से चार पांच लड़के इंडिया गए थे, वो इंडिया की ही मिनी टीम थी जिन्होंने आपको पेल दिया पकड़ के, जिन्होंने तुझे तेरी औकात याद दिलवा दिया, जिन्होंने तेरे साथ वो हरकत किया जो हरकत हीरा मंडी में की जाती है ना, वो तेरे साथ हरकत की गई है। और तू बैठ के स्टिल ये नहीं कहना कि मैं स्लो खेला हूं मेरी कप्तानी की वजह से हारे हैं, बैठ के दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहा है कि जी पाकिस्तान टीम ग्रेटेस्ट एवर कमबैक करेगी और हम इंडिया को हराएंगे। इंडिया को हराना अब हमारी जिद बन चुकी है, इधर से अब हम सिर्फ एक विनिंग स्ट्रीक जारी करेंगे। बेटा ये स्नैपचैट की स्ट्रीक चला रहा है या क्या कर रहा है तू, विनिंग स्ट्रीक इतना तू भाई जो है वो रिकी पॉन्टिंग एमएस धोनी जैसा कप्तान रह गया, तुझे कप्तानी आती नहीं है, तेरी कप्तानी में हम आयरलैंड जिम्बाब्वे अफगानिस्तान यूएसए से जलील हो गए हैं। तेरी कप्तानी में पाकिस्तान तीन बार जिम्बाब्वे से हारा है, दो बार, एक बार वर्ल्ड कप में, दो बार सीरीज में, एक बार हम आयरलैंड से हार गए हैं तेरी कप्तानी में। तेरी कप्तानी में पाकिस्तान अफगानिस्तान से तीन चार बार हार चुका है, तेरी कप्तानी में पाकिस्तान जो है वो हार चुका है यूएसए से। इससे ज्यादा बेस्ती, इससे ज्यादा जलालत पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में तू क्या करवाएगा? और तू बैठ के बात कर रहा है कि जी इंडिया को हम हराएंगे, मेरे घंटे के किंग उतर है, तू जिस पिच पे 44 करके गया ना 44 बालों पे, और जिस पिच पे तेरा इंडिया के साथ मैच है ना न्यूयॉर्क में, उधर मेरे घंटे के किंग तू दो बालों पे आउट हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह अगर तेरी धुनी पे मारेगा और एक तेरे टेड पे मारेगा तुझे आउट कर देगा। बैठ के बड़ा कह रहे हैं कि जी हम डेफिनेटली इंडिया को बीट करेंगे, हम ग्रेटेस्ट एवर कमबैक करेंगे, हमारी टीम अच्छी है, हमने पैचिस में गलतियां की हैं। पैचिस में क्या गलतियां होती है ये लफ्ज पहले मुनु दस, पैचिस सीखा किधर से है मुनु ना, पैचिस के स्पेलिंग से ना मुझे, तूने पैचिस कहां से सीखा है पहले मुनु यह दस, तू पैचिस कितू से है, तनु ते ग्रेजुएशन नहीं बोलना था, तू पैचिस कितू से लिया, मतलब भाई तू क्रिकेट खेलते तुझे इतने साल हो गए हैं, छेवां तेरा वर्ल्ड कप है और तू आज भी यूएसए के अगेंस्ट फंस रहा है, और यूएसए के कप्तान ने तेरे से हजार गुना बेहतर क्रिकेट खेली है, पूरी दुनिया तेरी परफॉर्मेंस पे हंस रही है, तूने मेरे मुल्क को जलील करवाया, मेरे समेत हर वो क्रिकेट फैन कल रात को रोया है, तू 25 करोड़ अवाम की जो है वो जिल्लत का सबब बना, तो उन छोटे बच्चों की जिल्लत का सबब बना जो कल रात को। इस तरीके से जब से T20 वर्ल्ड कप हुआ है तब से पाकिस्तान की मीडिया में जबरदस्त बवाल मचा है कि बाबर को कप्तानी से हटा दिया जाए और उसे बैटिंग लाइनअप में कौन से क्रम पर उतारा जाए। दोस्तों इन दोनों पाकिस्तानी खेमे में जबरदस्त निराशा छाई हुई है कि हम यूएसए जैसे टीम से हार गए हैं, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया पर लगातार मंथन जारी है। इन दिनों इंडिया को लेकर पाकिस्तानी खेमे में जबरदस्त तैयारी और प्लान चल रहा है कि इंडिया को हराकर कैसे अपने जख्म को भुलाया जा सकता है। पाकिस्तान को अगर T20 में टिके रहना है तो अब आने वाले मैचों में पाकिस्तान को जीत जरूर हासिल करनी होगी, वरना यह टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगा। दोस्तों यूएसए जैसी कमजोर टीम के आगे पाकिस्तानी सूरमा एक के बाद एक सब धराशाही होते गए। पाकिस्तानी मीडिया बाबर और उनके सहयोगियों के ऊपर जबरदस्त तरीके से अपने गुस्से निकाल रहे हैं। ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान क्या जो 70 सालों से क्रिकेट खेल रही है उसे आज की पैदाइश यूएसए जैसी टीमों से हार का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया से तो खेलने का तो कोई बात ही नहीं है, इंडिया में कौन सी ऐसी प्लानिंग करें कि जिससे बाबर आजम को विराट कोहली टीम पर भारी पड़े, इसको लेकर लगातार मंथन जारी है। पाकिस्तान वर्ल्ड अपने को वर्ल्ड की नंबर वन बॉलिंग कहने वाली टीम आज यूएसए के हाथों इतनी बुरी तरीके से पिटी कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आगे कोच गैरी कर्स्टन भी बेबस दिख रहे हैं क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं है। ऐसे में अब पाक आवाम अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को भर भर कर गाली दे रही है। उसी क्रम में बाबर आजम आउट होकर वापस पवेलियन लौट रहे थे, उसी दौरान किसी ने बाबर आजम को गैंडा कहकर पुकारा, जिस पर बाबर आजम पूरी तरीके से भड़क गए और उसे पुलिस के हवाले करवा दिया। दोस्तों इस तरीके से बाबर फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाल रहे हैं। खेलने की बात आती है तो बाबर बेबस नजर आते हैं, मगर और सारी चीज़ों के लिए बाबर उठ खड़े होते हैं। दोस्तों ऐसी ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, धन्यवाद।